मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे माता पिता हमें बहुत से काम करने में रोक टोक किया करते हैं। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता ऐसा करके हमारे माता पिता हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? चलिए, इसका फैसला बाद में करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक पिता अपने 7 साल के बेटे के साथ पतंग उड़ा रहा था। पतंग काफ़ी ऊंचाई छू रही थी, वह लगभग बादलों को छूती हुई हवा के साथ लहरा रही थी। कुछ समय के बाद बेटा पिता से बोला, पापा, हमारी पतंग धागे की वजह से ऊपर नहीं जा पा रही। इस धागे को तोड़ देना चाहिए, इसके टूटते ही हमारी पतंग ऊपर चली जाएगी। फिर पिता ने तुरंत ऐसा ही किया, उन्होंने धागे को तोड़ दिया। फिर कुछ ही देर में पतंग और ऊपर जाने लगी। पुत्र के चेहरे पर खुशी दिखाई दी, पर यह खुशी एक पल के लिए ही थी, क्योंकि वह पतंग थोड़ी ऊपर जाने के बाद खुद ब खुद नीचे आने लगी और कहीं दूर ज़मीन पे जाकर गिर गई। ये देख, पिता ने बेटे से कहा, पुत्र, ज़िंदगी में जिस ऊंचाइयों पर हम हैं, वहाँ से अक्सर लगता है कि कुछ चीज़ें जिनसे हम बंधे हुए हैं, वह हमें ऊंचाइयों पर जाने से रोक रही हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारा परिवार। इसलिए हम कई बार सोचते हैं कि शायद इसी वजह से सक्सेस नहीं मिल रहा, मुझे इससे आज़ाद होना चाहिए। जिस प्रकार से पतंग उस धागे से बंधी हुई रहती है, उसी तरह से हम भी रिश्तों में बंधे हुए रहते हैं। वास्तव में यही वो धागा होता है जो पतंग को ऊंचाइयों पर ले जाता है। हाँ, ज़रूर तुम ये धागा तोड़ के, यानी कि अपने रिश्ते को तोड़ के ऊंचाइयों को छू सकते हो, लेकिन उस पतंग की तरह कभी ना कभी कट कर नीचे गिर ही जाओगे। पतंग तब तक ऊंचाई छूती रहेगी जब तक पतंग उस डोर से बंधी रहेगी। ठीक इसी तरह हम जब इन रिश्तों से बंधे रहेंगे, तब तक हम ऊंचाई छूते रहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में सफलता रिश्तों के संतुलन से मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूँ कि हमारे माता पिता हमें आगे बढ़ने से बिल्कुल नहीं रोकते। वो रोक टोक उस धागे की तरह है जो आपको टूटने से बचाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप इस धागे को तोड़ के ऊंचाइयों को छू नहीं सकते। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं। शुक्रिया।